हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तारचंद, आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड, और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत सेक्शन सी हमारा जो टॉपिक है वो है अपवर्जन, अर्थात सामाजिक अपवर्जन क्या है। तो सबसे पहले है कि समाज में होने वाला अपवर्जन ही सामाजिक अपवर्जन है। लेकिन अपवर्जन का मतलब होता है बहिष्कार करना, निषेध करना, सीमांतिकरण करना अथवा मतभेद, दूर चला जाना। तो यहाँ पर अपवर्जन शब्द एक्सक्लूसिव शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बहिष्कार करना अथवा निषेध करना। अब यहाँ पर हमने अपवर्जन के अर्थ उसके संबंध में कि समाज में किस प्रकार से अपवर्जन बढ़ता है। अपवर्जन का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के अंतर्गत किया था, और बाद में यूरोपीय देश ब्रिटेन या अमेरिकी देशों ने भी किया था कि समाज में अपने आप को व्यक्तियों के द्वारा पृथककरण करना, बहिष्कार करना या सीमांतिकरण करने की जो प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से दूर होता चला जा रहा है, ये प्रक्रिया है सामाजिक अपवर्जन की। अपवर्जन के प्रकारों के संबंध में हमने उल्लेख किया, लेकिन आज हम बात करते हैं अपवर्जन के परिणाम कि क्या परिणाम मिलते हैं अपवर्जन से। कि जब एक समाज से दूसरा समाज, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति दूर हो जाता है या बहिष्कार कर लेता है या अपने आप को पृथक कर लेता है या निषिद्ध मानता है, तो ऐसी स्थिति में समाज पर और व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या परिणाम हैं। तो सबसे पहला है अपराध और अपवर्जन। कि जब वो अपवर्जन समाज के अंतर्गत होता है तो अपराध को बढ़ावा मिलता है। एक समाज दूसरे समाज से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अथवा समूह से अपने आप को बहिष्कार कर लेता है, पृथक कर लेता है, निषिद्ध मानता है, तो ऐसी स्थिति में बहिष्कार के हुए व्यक्ति के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, हीनता उत्पन्न हो जाती है बहिष्कार के द्वारा। ऐसी स्थिति में फिर क्या है कि व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होता है। अपराध में चोरी करना, लूटपाट करना, हत्या करना, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति या डकैती इत्यादि, ऐसे अपराधों को हम अपवर्जन के द्वारा देख सकते हैं। कि जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समाज से एक व्यक्ति जब पृथक हो जाता है, तो पृथक हो जाता है या बहिष्कार कर लेता है या दूर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के प्रति हीनता की भावना जाती है, और हीनता की भावना आने के प्रति वो समाज विरोधी व्यवहार करता है, जिसके कारण समाज में अपराध फैलता है। अपराधों में चोरी है, हत्या है, वेश्यावृत्ति है, दुष्कर्म है जैसे। दूसरी जो है समस्या है स्वास्थ्य की समस्या और अपवर्जन। कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी समाज या समूह से हीन दृष्टि से देखते हैं, उन पर अनेक प्रतिबंध लगाते हैं, उन्हें हम हीनता की दृष्टि से देखते हैं, तो वो समाज में क्या है कि अनेक समस्याओं को अनुभव उस व्यक्ति के प्रति। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि भारतीय समाज में भेदभाव को अशुभ माना जाता है, तो उनके अंतर्गत हीनता की भावना जाती है। भेदभाव को समाज में सामाजिक कार्य विभाग लेने से प्रतिबंध किया जाता है, उन्हें अच्छा रहना, अन्ना अच्छा खाना, अच्छा पहनना इत्यादि उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसी स्थिति उनके अंदर क्या है कि हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके साथ ही हमारे समाज में कुछ गंदी बस्तियाँ हैं जिन्हें हम हीनता की दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसी बस्तियों में हमारा अपराध बढ़ता है। तीसरा जो परिणाम है प्रजातीय संघर्ष और अपवर्जन। कि भारतीय समाज में समय समय पर अनेक आक्रमणकारी लोग आए, अनेक प्रजातियों के लोग आए, उनके मध्य संघर्ष हुआ, पराजित लोग और विजयी लोगों के प्रति जो दुराव आया, तो उसमें क्या होता है जातीय संघर्ष के अंतर्गत जब जातीय संघर्ष हो जाता है, प्रजातीय संघर्ष होता है, तो जो जातियाँ पराजित होती हैं तो उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, हीनता की दृष्टि से देखते हैं, और वो समाज से पृथक और दूर चली जाती है। इसी प्रकार से जातिवाद है, वर्गवाद है, जो समाज में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथा जो परिणाम है भाषा की समस्या, भाषा की समस्या और अपवर्जन। अर्थात तो भारतीय समाज के अंतर्गत या विश्व के अंतर्गत अनेक भाषाएं हैं,
और सभी भाषाओं में हीनता की भावना, समानता का अधिकार नहीं है, मतभेद है, ऊंच नीच की भावना है। कुछ भाषाओं को हम उच्च दृष्टि से देखते हैं, सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, कुछ भाषाओं को हम हीन दृष्टि से देखते हैं। जब हीन दृष्टि से देखने वाली भाषाओं के लोगों के द्वारा जब की जाती है तो वहाँ पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि अंग्रेजी को हम सर्वव्यापक सर्वोच्च स्थान देते हैं, जबकि इसको तुलना में और जो भाषाएं हमें हीन दृष्टि से देखते हैं तो वो भाषा बोलने वाले अपने आप को हीनता में या ग्लानी महसूस करते हैं। हिंदी बोलने वाले भाषा और अंग्रेजी बोलने भाषाओं में उच्च स्थान है अंग्रेजी बोलने वालों का है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी के अलावा जो लोग हिंदी बोलते हैं वो उनके मध्य अपने आप को निम्न स्तर का एहसास होता है, हीनता की भावना होती है, जहाँ पर यहाँ समस्याएं भाषा संबंधी समस्याएं और प्रत्येक राज्य की अपने अपने राज्य स्तर की भाषा होती है। तो इस आधार पर स्पष्ट करते हैं कि अपवर्तन हमारे समाज में भाषा के संबंध में भी समस्या उत्पन्न करता है, या भाषा हमें समाज में अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भाषाओं को सभी को समान दृष्टि से नहीं रखा गया, प्रत्येक की भाषा अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके साथ ही धर्म के आधार पर भी हम समाज में अपवर्तन देख सकते हैं कि भारत एक बहु धर्म वाला राष्ट्र है जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धर्म के आधार पर संस्कृति रीति रिवाज खानपान अलग है और इसमें कुछ धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखते हैं, तो हीनता के कारण ही समाज में अपराध उत्पन्न होता है, हिंसा उत्पन्न होता है और धर्म के आधार पर हमें विद्रोह भी देखने को मिलते हैं। धर्म के आधार पर समाज में विद्रोह, धर्म के आधार पर समाज में विद्रोह देखने को मिलता है। हिंदू और मुस्लिमों के मध्य धर्म के आधार पर सिख और मुसलमानों के प्रति या हिंदुओं के प्रति या वह धर्म के प्रति जो भी हमें समाज में संघर्ष देखने को मिलता है तो वो समाज में हमें अपवर्जन को लिया जाता है। भारतीय समाज में हिंदू धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, या धर्म को हिंदू दृष्टि से देखा जाता है। अल्पसंख्यक है इसलिए बहुत संख्यक जो जाति है हिंदू जाति है वो अपन दबा दबाए रखने के लिए अन्य जातियों पर प्रभाव डालती है, ऐसी स्थिति वहाँ पर जातीय संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष और धर्म के आधार पर भाषाओं के आधार पर संघर्ष देखने को मिलते हैं। बाद में संस्कृति और अपवर्जन, संस्कृति के संबंध में हमें अपवर्जन देखने को मिलता है कि संस्कृति रहन खान पान इत्यादि में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। उच्च संस्कृति के लोग निम्न संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास करते हैं जबरदस्ती, ऐसी स्थिति में लोगों पर एक परेशानियाँ आती है। तो यहाँ पर संस्कृति के आधार पर भी हम समाज में अपवर्जन को देख सकते हैं और संस्कृति समान नहीं है, रहन सहन खान पान वेशभूषा आदि में भिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात उच्च संस्कृति के लोग निम्न संस्कृति के लोगों पर दबाव डालते हैं, वैध करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अपवर्जन उत्पन्न होता है। और उसके बाद में अन्य क्षेत्रों में भी अपवर्जन, तो भारतीय समाज के अंतर्गत केवल इन क्षेत्रों के अलावा युद्ध की स्थिति, पर्यावरण की स्थिति आदि के द्वारा भी राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में भी हमें अपवर्जन या भेदभाव या बहिष्कार या कुछ निषेध। शिक्षा का क्षेत्र पर देखा जाए तो कुछ लोगों को ही उच्च शिक्षा का अधिकार है, बाकी लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, तो वंचित लोगों में हीनता की भावना जाती है, अर्थात वही हमारे समाज में अपवर्जन। अर्थात शिक्षा के आधार पर भी हम, संस्कृति के आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर हम, क्षेत्र के विकास के आधार पर भी समाज में अपवर्जन को देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे अपवर्जन के कारण एवं परिणाम। जिस वजह से इसका प्रभाव अपवर्जन का पड़ता है समाज।